वेस्ट बैंक में कब्जे वाले इलाके पर इसराइल का बड़ा हमला। IDF ने हमले में 10 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इसराइल के हमले के बाद वेस्ट बैंक के जेनिन शहर को किया गया सील। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा पिछले 11 महीने में वेस्ट बैंक में अब तक 652 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। वेस्ट बैंक से IDF के ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई। जेनिन शहर की सड़कों पर देखे गए इसराइली सैनिक के वाहन। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने की मुलाकात। वेस्ट बैंक में IDF की कार्रवाई को लेकर स्वदेश लौटने की घोषणा की। गाजा के देर अल बरा में इसराइल का हवाई हमला। शरणार्थी शिविर पर हमले के 8 लोगों की मौत, कई घायल। शरणार्थी शिविर पर इसराइल के हमले में कई लोग घायल। पीड़ितों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अस्पताल में पहुंचे परिजनों को रो रोकर बुरा हाल। गाजा में रिहाई के बाद इजरायली पंथक पहुंचा अपने घर। हमास की कैद से छूटने और घर वापसी पर लोगों ने ढोल बजाकर स्वागत किया। इजरायली सेना ने हमास की कैद से 52 साल के एक पंथक को छुड़वाने की पाई कामयाबी। रेस्क्यू का वीडियो सामने। इजरायली सेना के मुताबिक हमास के एक टनल में अकेला मिला था बंधक। हेलीकॉप्टर से बंधक को वापस लाया गया इसराइल। उत्तर कोरिया ने बढ़ाई रॉकेट लॉन्चर बनाने की रफ्तार। तानाशाह किम जोंग उनकी निगरानी में टेस्टिंग की गई। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू का विपक्ष पर आरोप। वित्तीय तख्तापलट की हो रही कोशिश का दोषियों को होगी जेल। पाकिस्तान में बिजली दरों में बढ़ोतरी और नए करों के विरोध में व्यापारियों का देशव्यापी हड़ताल। कई शहरों में नहीं खुली है दुकानें। अमेरिका में अटलांटा एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस के विमान का टायर फटा। 2 लोगों की मौत, 1 कर्मचारी घायल। क्रोएशिया में जंगल की आग बनी मुसीबत। चनोवानिका शहर की तरफ बढ़ती आग को रोकने में जुटे सैकड़ों फायर फाइटर्स। ब्राजील में अमेजन के जंगलों में आग लगी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। धुएं की वजह से एयर क्वालिटी खराब, कई कार्यक्रम रद्द किए गए। जर्मनी के विदेशी मुद्रा भंडार में आई भारी कमी, लोगों ने सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका के एरिजोना में पानी के तेज बहाव में फंसे कई सैलानी, एक की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अमेरिका में एरिजोना के ग्रैंड कैनियन राष्ट्रीय उद्यान में अचानक बाढ़ आई है। सैकड़ों सैलानी और स्थानीय लोग पानी में फंसे। राहत कर्मी लोगों को बाढ़ से बचाने में जुटे। हेलीकॉप्टर की मदद से पानी के बीच फंसे लोगों को निकालने का काम जारी। अमेरिका के शिकागो में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बुरा। चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने को लेकर समुद्र किनारे सैर पर निकले लोग।